स्टूडेंट्स, क्लास 8th 10th चैप्टर द नाइटिंगेल. दिस इज द वीडियो ऑफ क्वेश्चन आंसर्स, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एंड थिंक एंड आंसर. एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आप मुझे बताओ, आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लिया और बुक एक्सरसाइज देख ली? नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. कॉम्प्रिहेंशन, आंसर द क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. फर्स्ट, वी हैव अ गुड सिंगर एट होम. हु सैड दीज वर्ड्स एंड टू होम. आंसर यहाँ नीचे आपके पास फ्लैश होंगे. लता'स फादर सेड दीज वर्ड्स टू हर. ओके, हु इज रेफर्ड टू एज अ गुड सिंगर. वाई, किसके बारे में बात हो रही है कि बढ़िया सिंगर कौन है? लता इज रेफर्ड टू एज अ गुड सिंगर बिकॉज शी हैड पॉइंटेड आउट अ मिस्टेक इन सिंगिंग ऑफ हर फादर्स पपल. पपल होता है स्टूडेंट. शी सैंग द सॉन्ग करेक्टली एंड अ फादर हर्ड हिट. ठीक है. थर्ड है, हाउ ओल्ड वॉज द गुड सिंगर देन. उस समय वो गुड सिंगर कितना बड़ा था, यानी कि लता मंगेशकर की क्या उम्र थी जब उन्होंने वो मिस्टेक फाइंड आउट कर दी. वॉज 5 years old देन. देन मतलब उस समय. डी, वॉट इज द फैमिली बैकग्राउंड ऑफ द सिंगर. जो सिंगर यानी कि जिसकी बात हो रही है लता मंगेशकर से, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था. द सिंगर दैट इज लताज फादर वॉज अ रिनाउंड सिंगर. रिनाउंड होते फेमस. एंड शी ग्रीव अप लिसनिंग टू हिज सिंगिंग थ्रू आउट हर चाइल्डहुड. और वो बचपन से, उनके घर का जो माहौल था ना, वो इसी तरीके का था. म्यूजिक, तानपुरा, और वो क्या कहते हैं हम जो प्रैक्टिस करते हो, ऑल दैट. चलिए सेकेंड रेफरेंस तो कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करेंगे. कम एंड हैव टी विद मी. हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू हूम. ये वर्ड्स कही थी प्राइम मिनिस्टर नेहरू, जवाहरलाल नेहरू लिख लेना आप. सेड दीज वर्ड्स टू लता मंगेशकर. डिड दे हैव टी टुगेदर. इफ सो वेयर डिड दे हैव टी. क्या उन्होंने वापस, क्या उन्होंने सच में एक साथ टी पी, और कहाँ पे पी थी? यस, दे हैव टी टुगेदर एट तीन मूर्ति भवन, नेहरूज रेसिडेंस. तीन मूर्ति भवन जहाँ की प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, वहाँ पर उन्होंने चाय पी थी. बहुत बड़ी बात है भाई, वहाँ तो आसपास कई किलोमीटर्स तक निकलने भी नहीं देते लोगों को. थर्ड सी पार्ट, व्हाट इंसिडेंट हैपन बिफोर द पर्सन वॉज आस्क टू हैव टी. क्या हुआ था उससे पहले का किससे, बताइए. द पर्सन यानी कि लता मंगेशकर हैड संग ए मेरे वतन के लोगों, ब्रिंगिंग टू टीयर्स टू द आईज ऑफ नेहरूज बिफोर द पर्सन वॉज आस्क टू हैव टी. क्या हुआ था कि उन्होंने जब उनका गाना सुना था उस कॉन्सर्ट में नेहरू जी ने, मेरे वतन के लोगों, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे. तो उन्होंने कहा, ये उन्होंने बैक स्टेज मैसेज भेजा कि जिसने ये गाना गाया है उनको मेरे साथ चाय पे बुलाया है. डिड द स्पीकर एंड द लिसनर मीट अगेन. क्या वो उसके बाद फिर मिले? द स्पीकर एंड द लिसनर मेट अगेन एट चैरिटी शो एट ब्रबॉन स्टेडियम इन बॉम्बे. अब मुंबई है, पहले बॉम्बे था. तो लता मंगेशकर जी और नेहरू जी एक बार फिर उसके बाद मिले थे, एक बार नहीं कई बार मिले होंगे, चैरिटी शो में, ब्रबॉन स्टेडियम इन मुंबई. ठीक है, तो ये तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. चलिए आइए क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं. हाउ डिड लता मंगेशकर्स फादर रियलाइज दैट शी शुड मेक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिंगर. कैसे उनको ये एहसास हुआ, रियलाइज़ किया उन्होंने कि लता मंगेशकर को एक बहुत बेहतरीन सिंगर बनना चाहिए. लता मंगेशकर फादर रियलाइज वी शुड मे शी वुड मेक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिंगर बिकॉज ही ओवर हर्ड हर करेक्टिंग द एरर इन हिज म्यूजिक स्टूडेंट सिंगिंग. क्योंकि उन्होंने इतनी छोटी सी मिस्टेक पकड़ ली थी, खुद इतनी छोटी थी वो, और अपने फादर के जो स्टूडेंट था उनके गायन में इतनी छोटी सी मिस्टेक पकड़ ली थी जो कि एक बहुत ही समझदार इंसान ही कर सकता. तो उन्हें लगा कि सिंगिंग में इसका हाथ बहुत सेट चलेगा, गला. सेकेंड, वॉज लता मंगेशकर हैप्पी विद हर एक्टिंग करियर. जब उन्हें सिंगिंग के साथ साथ एक्टिंग की अपॉर्चुनिटी भी मिली तो क्या वो हैप्पी थी, सेटिस्फाइड थी? लता मंगेशकर वॉज नॉट हैप्पी विद हर एक्टिंग करियर. उन्हें शूटिंग ज़्यादा पसंद नहीं थी. थर्ड है, वॉट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ सॉन्ग फॉर लता मंगेशकर. लता मंगेशकर की निगाहों में या नज़रों में एक बेहतरीन सॉन्ग के क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ सॉन्ग फॉर लता मंगेशकर वर द वर्ड्स ऑफ द सॉन्ग एंड इट्स इमोशनल कंटेंट. कि क्या उसके शब्द हैं और किस तरीके से वो गाया गया है. थर्ड क्वालिटी उन्होंने बताई थी कि कैसा उसका पिक्चराइजेशन है, उस पर डिपेंड करता है. फाइन, आगे बढ़ेंगे. फोर्थ, वॉट डिड लता मंगेशकर प्रिपेयर टू सिंग इन लैंग्वेजेस शी वॉज नॉट फैमिलियर विद. वॉट डिड लता मंगेशकर प्रिपेयर टू सिंग.
वो किस तरीके से प्रिपेयर करती थी उन लैंग्वेजेस में गाना गाने को जिसको वो जानती नहीं थी। लता मंगेशकर प्रिपेयर्ड हरसेल्फ टू सिंग इन अनफैमिलियर लैंग्वेजेस बाय लिसनिंग टू सम फैमिलियर वर्ड्स कर दो वर्ड्स विद देम हु वुड रीड द लिरिक्स टू हर। She paid great attention to pronunciation. She then wrote the lyrics phonetically in Hindi and then sang. काफ़ी मेहनत करती थी पहले वो जिस लैंग्वेज में उन्हें गाना गाता होता था उस लैंग्वेज में उस शब्द को कैसे बोलते हैं ये सुना करती थी, फिर उसको हिंदी में लिख लिया करती थी। जैसे कुछ भी वर्ड है उसका प्रोनंसिएशन हिंदी में लिख लेती थी, फिर उसको बार बार प्रैक्टिस करके उसे इस तरीके से गाया करती थी। रियली वेरी हार्ड वर्किंग। वॉट इज़ स्पेशल अबाउट द सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगों। ए मेरे वतन के लोगों में सॉन्ग जो है हम सब सुनते हैं, इसमें ऐसा क्या खास बात थी है। ए मेरे वतन के लोगों इज़ अ स्पेशल सॉन्ग बिकॉज इट इज़ डेडिकेटेड टू द ब्रेव सोल्जर्स हु लेड डाउन देयर लाइव्स इन द वार विद चाइना इन 1962। 1962 में जब इंडिया और चाइना की वॉर हुई थी तो जो लोगों ने जो ब्रेव सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई थी उनके लिए स्पेशली डेडिकेटेड ये सॉन्ग है। थिंक एंड आंसर पे आ चुके हैं हम। वाई डज नसीन मुन्नी कबीर जो इंटरव्यूअर थी से दैट लता मंगेशकर हैज़ अनयूजुअल क्रियोसिटी अ थर्स्ट फॉर नॉलेज एंड डिटर्मिनेशन टू बेटर हरसेल्फ। लता मंगेशकर को इस तरीके की एक इच्छा थी, उनके अंदर एक आग सी थी कि वो अपने आप को बेटर कैसे बनाए, तो इसके बारे में नसरीन मुन्नी ने क्या कहा। मुन्नी कबीर सेज दैट लता मंगेशकर हैज़ अनयूजुअल क्यूरियोसिटी अ थर्स्ट फॉर नॉलेज एंड डिटर्मिनेशन टू बेटर हरसेल्फ बिकॉज शी सिंग्स विद फुल अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, क्योंकि वो पूरे ध्यान से गाती हैं। शी इज़ ईगर टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस एंड कॉन्स्टेंटली ट्राइज टू इम्प्रूव हरसेल्फ। वो बहुत इच्छुक है नई नई चीज़ें सीखने की, नई लैंग्वेज सीखने की, और निरंतर प्रयास करती है कि वो उस चीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सके। ठीक है, विच क्वालिटीज़ हैव मेड लता मंगेशकर सो सक्सेसफुल। आखिर वो कौन सी क्वालिटी थी जिससे लता मंगेशकर इतनी ज़्यादा मशहूर हुई। आंसर है लता मंगेशकर वॉज अ सक्सेसफुल सिंगर बिकॉज शी पोजेस्ड अ वेरी मेलोडियस वॉइस। पहली क्वालिटी तो ये थी उनकी आवाज़ बहुत ही मधुर थी, विच शी परफेक्टेड विद ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग, जिसमें उन्होंने परफेक्शन लाया बहुत मेहनत करके। शी पोजेस्ड अ ग्रेट कैपेसिटी फॉर हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन, उन्होंने काफ़ी मेहनत और लगन से काम किया। शी लर्न टू लिसन विद ग्रेट फोकस एंड अटेंशन ट्राई टू बिकम अ बेटर सिंगर, उन्होंने ध्यान से सुनी कि कौन सी लैंग्वेज में उन्हें गाना है और उस पर फोकस करा, ध्यान दिया और फिर एक बेहतरीन सिंगर बनने की पूरी कोशिश करी। वॉट डू यू थिंक मोटिवेटेड लता मंगेशकर टू सिंग इन सो मैनी लैंग्वेजेस। आपको क्या लगता है लता मंगेशकर को क्या मोटिवेशन मिली कि इतनी लैंग्वेजेस में गाएं। लता मंगेशकर वॉज मोटिवेटेड टू सिंग इन सो मैनी लैंग्वेजेस आफ्टर मीटिंग शांता आप्ते, अ मराठी स्टार हु हैज रिकॉर्डेड अ सॉन्ग इन तमिल एंड शी वॉज मोटिवेटेड बाय शांता आप्ते। फाइन, आगे बढ़ेंगे। आगे आपको ये मेरा काम करना है कि आपको मैंने आपके क्वेश्चन आंसर्स करा दिए, अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, मैम के चैनल को प्रमोट करो, थम्स अप करो। बाय बाय।